हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 45G फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स नोट 45G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में कैसे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस वगैरह को कैसे बंद कर सकते हैं और कैसे लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को ऑफ कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को बंद कैसे कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन बंद कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं, इसमें से आपके आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे, इस पर जाकर आप अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आप अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को बंद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं और कर पाएंगे। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपली स्लाइड करना और सेटिंग्स पे चले जाना है। और क्लिक करते ही सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को आप बंद कर सकते हैं। सिंपली आपको नोटिफिकेशन सेंटर पे जाना है, नोटिफिकेशन सेंटर पे जाकर आपको लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो जब आप लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो लॉक स्क्रीन पे क्लिक करके भी नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो देख सकते हैं, इस पे जाएंगे, इस पे जाते ही आप यहाँ से डोंट शो नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देंगे। तो डोंट शो नोटिफिकेशंस पे क्लिक करते हुए आपके पास ऑप्शन आता है, इसके ज़रिए आप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। इससे नोटिफिकेशंस आपके लॉक स्क्रीन पे शो नहीं करेंगे। तो इस तरह से भी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।